हाय गाइस, मैं हूँ दीपक और आप लोग देख रहे हैं टीबीसी वाइंस। आज मैं बात करने वाला हूँ रोबोट टास्क। जी हाँ, इस वीक का ये जो टास्क हुआ है, इस टास्क का नाम था रोबोट टास्क डे 72 और डे 73। डे 72 जहाँ पर कि टीम विकास ने टीम हिना को अच्छे खासे तरीके से रुलाने की, गुस्सा दिलाने की, हंसाने की खूब कोशिश की और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे और दिल की जितनी भी भड़ास थी वो निकाली। चाहे वो आकाश को गुस्सा दिलाना हो, हिना को रुलाना हो, हंसाना हो, तो ये टास्क काफ़ी अच्छा था। डे 72 में कहूँगा पूरी तरह से टीम विकास के नाम रहा। इस टास्क का सबसे ज़बरदस्त पॉइंट वहाँ पर आया जब शिल्पा शिंदे ने आइडिया दिया लव त्यागी को कि इन लोगों को कैसे हंसाना है, और लव त्यागी ने लड़की का गेटअप लेके दो एप्पल्स को यूज करके हितेन को हंसा दिया, हिना को हंसा दिया, प्रियंक को हंसा दिया। काफी जबरदस्त तरीके से उन लोगों ने डे 72 में परफॉर्म किया। और एक बात गुस्से की और रुलाने की, तो अर्शी ने काफी हद तक हिना को इमोशनल कर दिया था उनके बॉयफ्रेंड रॉकी का नाम लेकर। और आकाश को तो विकास ने खूब खरी खोटी सुनाई, खूब खरी खोटी सुनाई। तो अब क्या है कि डे 72 इन लोगों के नाम था, सो डे 73 में इनके साथ वही सब होना था जो इन्होंने टीम हिना के साथ किया था। लेकिन डे 73 में हमने देखा कि टीम हिना के जो लोग थे, चाहे वो प्रियंक हो या हिना हो या आकाश हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे। कई ऐसी चीज़ें थी जो इनको शायद नहीं करनी चाहिए थी, वो कर गए, क्योंकि गुस्सा दिलाने के टास्क में विकास, शिल्पा, अर्शी और लव, इनको गुस्सा है, इससे ज़्यादा गुस्सा तो हम इससे ज़्यादा गुस्सा तो हमने हिना के चेहरे पर देखा, प्रियंक के चेहरे पर देखा। तो गुस्से वाली टास्क हो, रोने वाली टास्क हो, और यहाँ पर हंसाने वाली टास्क में हमने देखा कि प्रियंक बिकनी पहन के आ गए और हितेन एक औरत के अवतार में आए और हंसाने की खूब कोशिश की। तो ओवरऑल देखा जाए ना, इस टास्क में हमने देखा कि टीम विकास जीत गई आराम से, 50 पॉइंट्स के मार्जिन से जीती है। और यहाँ पर एक बात कहने लायक है, कई लोग कहते हैं कि शिल्पा शिंदे टास्क में अच्छा नहीं करती, लेकिन इस टास्क में उन्होंने एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिया है। जी हाँ, टीम विकास ने सिर्फ 10 एक्सप्रेशन दिए हैं, जिसमें से विकास ने अकेले ने 8, अर्शी ने 1 और लव ने 1, और शिल्पा शिंदे ने 0 एक्सप्रेशन दिया है। और वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखती रही, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। तो 50 पॉइंट्स के मार्जिन से टीम विकास ने ये लग्जरी बजट टास्क जीत लिया है, रोबोट टास्क जीत लिया है। इस टास्क के दौरान प्रियंक ने कुछ ऐसी बातें की जो विकास को पसंद नहीं आई, आकाश ने कुछ ऐसी चीप हरकतें कर दी जो टीवी पर दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी। खैर, ये सब करना उनके हिसाब से उनको ज़रूरी लगा, लेकिन बाद में जब वो डिस्कस कर रहे थे, यार ये बैकफायर कर गया, यार मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे वैसा नहीं करना था। सो जब टास्क के दौरान कर दिया तो कर दिया। तो अगर मैं दोनों टीमों का कंपैरिजन करूं तो मैं ये कहूंगा कि टीम विकास ने इस टास्क को बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया। उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए वो इतने एरोगेंट, इतने बुरे नहीं लग रहे थे सुनने में, जितना कि टीम प्रियंक और टीम हिना ने किया। उन्होंने काफ़ी बातें ऐसी बोल दी जो शायद उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। आकाश ने कुछ ऐसी चीप हरकतें कर दी जो शायद उसको नहीं करनी थी। सो प्लानिंग वाइज, स्ट्रेटजी वाइज टीम विकास ने काफ़ी अच्छा खेला, और टीम हिना और टीम प्रियंक शायद वो इतना कर भी नहीं पाए, क्योंकि उनकी टीम से हितेन ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हितेन काफ़ी ज़्यादा पीछे रहे थे इस टास्क के दौरान। सो अगर कल को काल कोठरी का होता है सबसे वर्स्ट परफॉर्मर का, सो आई थिंक हितेन का नाम जाएगा, आकाश का नाम भी जा सकता है, और आई गेस प्रियंक का नाम भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो बिकनी पहन के चीप हरकत की थी वो जस्टिफाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हमने सुना कि प्रियंक और हिना ये कह रहे थे कि यार ये बिकनी वाला बैकफायर करेगा, बैकफायर करेगा, बैकफायर कर गया उनको, इसलिए वो लोग इस टास्क में काफ़ी पिछड़ गए। लेकिन हो सकता है कि कई हिना फैंस ये कहें कि पुनीश बहुत बायस्ड था, उसने हिना की टीम को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने सबने देखा कि पुनीश बहुत अच्छे से ये टास्क को हैंडल कर रहे थे। अब आपकी टीम की प्लानिंग ही अगर ऐसी रहेगी तो फिर कैसे क्या होगा, है कि नहीं। हितेन ने काफ़ी अच्छे से हंसाने की कोशिश की, लेकिन क्या करें,
उन्होंने एक ये हंसाने वाली टास्क को अगर छोड़ दे तो बाकी किसी भी टास्क में हितेन इतने एक्टिव नहीं थे, वो मोस्टली साइड में ही खड़े रहे थे। हिना काफी अच्छे से इस टास्क को खेल रही थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन आई गेस उन्हें बाकियों से सपोर्ट नहीं मिला। जैसा हमने देखा कि विकास की टीम में शिल्पा, अर्षी, लव और विकास खुद काफी एक्टिव थे पूरी टास्क में, लेकिन टीम हिना में अगर मैं कहूँ कि हिना के अलावा और प्रियंक के अलावा बाकी दो आकाश एंड हितेन इतना सपोर्ट नहीं कर पाए थे। सो एक टीम टास्क था, टीम टास्क में एक पूरी टीम को मिलकर खेलना था, पूरी टीम मिलकर नहीं खेल पाई, जिस वजह से ये टास्क में टीम हिना फेल हो गई। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप लोग देखते रहिए, और आई होप कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और देखते रहिए टीबीसी वाइज। थैंक यू। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।